उधर 302 टॉर्सन्स इसमें है, अलग डेलीगेशन है गुजरात का, 11:30 बजे हमको ला के लेके गए इनको काम करने के लिए, उसके बाद ही वापस आ गए। फिर रात के 2:30 बजे अपने घर से निकलते कहते हैं कि जाके हम उनसे पैसा लेके आएंगे, जो रात के 2:30 बजे पैसा मांगने का। उसके बाद हजूर इसमें इंडिपेंडेंट फिटनेस का भी स्टेटमेंट आया है केस डायरी में, जो कि है पैराग्राफ 78 में। उसके बाद हजूर कल पूछा गया था कि आपका दुकान के बाहर वाला पोल में बांध के मारा गया था, नहीं हजूर 74 है डायरी के पैराग्राफ नंबर। क्या है, आईओ है कि एसएचओ है? आईओ का। अच्छा, आप कहाँ किस थाना से हैं? रुपसपुर। हाँ बोलिए, केस के बारे में बताइए, क्या मटेरियल है? मटेरियल एविडेंस है सर, इसमें आई विटनेस का भी इसमें बयान किया गया, पारा नंबर 78-29। एक पेन ड्राइव भी का मतलब एक फुटेज मिनट का, उसमें भी उसमें फोटो आ रहा है मारते हुए। ये लोग सब मिलके उसको मारे और उसमें पिटिशनर भी था, पिटिशनर का भी आया फोटो, इसमें नाम दिया गया है सुनील कुमार महेश राम की पत्नी किरण देवी महेश राम सन्नी कुमार लंगड़ा। राम जन्म के बारे में पूछा तो बताया कि जिस समय मैं वहां पर था उस समय राम जन्म मियां जी सन्नी कुमार लंगड़ा पोल में बंधे हुए लड़का को मार रहा था, तथा सुनील कुमार महेश राम और महेश राम का पत्नी वहां पर खड़ी थी, तीनों और मारने के लिए बोल रहा, तथा शंकर राम अर्जुन राम संजीव रविदास को मैं वहां पर नहीं देखा। सबको हजूर मारते हुए किसी ने नहीं देखा और नहीं हमने एक भी थप्पड़ मारा। लड़का चोरी कर रहा था, चोरी कर जो 2:30 बजे रात में पहला तो हजूर चोरी कर रहा था तो मार दीजिएगा, तो हम कहां मारे हजूर? नहीं, इंटायर केस डायरी में इंडिपेंडेंट विटनेस का सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी डिलीट हो गया है क्या? आईपीसी से दम नहीं डिलीट हुआ है हजूर। तो फिर आप पर एलिगेशन 302/34 का है, आप जब ये विटनेसेस गए तब बाकी एक सेक्शन ऑफ लोग मार रहे थे, आप खड़ा होके पहले पीट चुके थे, बाकी लोग हाथ साफ कर रहे हैं। ऐसे केसेस में क्या होता है, आसपास के सब लोग हाथ साफ करते हैं, आप थक गए पीटते पीटते तो दूसरा आया पीट रहा। आप चोर को मार दीजिएगा, एकदम नहीं हुजूर, एकदम इनह्यूमन घटना है, एकदम इनह्यूमन। हम अभी इन्हीं की बात मान रहे हैं कि वो चोर था। चोर नहीं है, हाँ नहीं नहीं, इनकी बात फॉर द टाइम बीइंग हम मान रहे हैं, हम चोर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इनकी बात मान रहे हैं। आई एम एक्सेप्टिंग हिज आर्गुमेंट फॉर द टाइम बीइंग दैट ही वाज अ थीफ, व्हाट गिव्स देम द राइट टू किल हिम? डेफिनेटली माय लॉर्ड, नो वन हैज द राइट टू किल एनीवन, लेकिन हुजूर इन द एंटायर केस डायरी अगर एक आदमी का भी स्टेटमेंट हो कि उसने हमको मारते हुए देखा है, एक थप्पड़ भी अगर हमने मारा है हुजूर, देन आई एम आउट ऑफ दिस कोर्ट। यस, क्या बोल रहे थे नरेंद्र बाबू? सुनील कुमार दास पिटिशनर के यहाँ इसका पैसा बाकी था, इसने मांग गया मांगने के लिए, उसके बाद पिटिशनर जो ऐसा गया इसको फर्दर दूसरा काम करने के लिए, तो बोला कि पहले पैसा हमको दे दीजिए तब हम दूसरा कोई काम करेंगे आपका, तो वो मना के ले गए कि सबका पैसा तुम चलो काम कर दो, सारा पैसा तुमको जोड़ करके दे देंगे। उसके बाद जब वो गया काम वम कर दिया, करने के बाद पैसा नहीं दिया, फिर वो 2:00 बजे रात में लौट आया, फिर 2:30 बजे गया अपने मदर से बोला, मदर या उसकी जो मौसी लगी बोला कि सो हम जाते आज पैसा लेके ही आएंगे, तो 2:30 बजे रात में फिर गया, उसके बाद से ये घटना घटी, पिटिशनर खुद लेके गया। और कुछ पैराग्राफ 17 में हुजूर वीडियो क्लिप का जो कहा गया, और कुछ उसमें भी हुजूर कहीं पर हम नहीं, ठीक, घटना एकदम इनह्यूमन है, लेकिन इनह्यूमन घटना में हुजूर पेटिशनर हैज गॉट नो रोल टू प्ले इन दैट। माय लॉर्ड, इन दिस केस स्पेसिफिक एंड डायरेक्ट एलिगेशन। लेट हिम आर्गू, यू हैव कंप्लीटेड योर आर्गुमेंट। प्रोसिक्यूशन केस, हर्ड द लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर एंड द लर्नेड काउंसिल फॉर द स्टेट, लर्नेड एपीपी फॉर द स्टेट श्री सच एंड सच, the police officer from Rupaspur police station has assisted the court, assisted the learned APP along with the case diary. Narendra sir, Kumar likhte hain ki Prasad likhte hain? Kumar Singh. There is no dispute that the deceased was tied in a pole
एंड वॉज असोल्टेड बाई द अक्यूज पर्सन इंक्लूडिंग द पिटिशनर एंड हिज फैमिली मेंबर्स. द पिटिशनर सबमिट्स दैट ही वॉज अ थीफ, वेयर एज द प्रोसिक्यूशन केस इज दैट द डिसीज हैज गॉन टू डिमांड हिज वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, एंड इंस्टेड ऑफ पेइंग द आउटस्टैंडिंग वेजेस ही हैज बीन ब्रूटली असोल्टेड बाई टाइंग हिम इन ए पोल, जो भी है, इन द इलेक्ट्रिक पोल, एंड आफ्टर ब्रूटल असोल्ट he was killed. There is direct evidence of the participation of the petitioner in the killing of the deceased, in the brutal killing of the deceased. I am not inclined to grant bail to the petitioner. This application is dismissed. The trial is directed to be expedited.